Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, Assis Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a topic under Educational Sociology, that is Urbanization and Modernization, means Shahrikaran evam Adhunikikaran. Aapse Educational Sociology, Social Change, Social Mobility and Culture and Education and Social Stratification, I have already discussed. This topic has रिमेन लेफ्ट. तो स्टार्ट करते हैं शहरीकरण और आधुनिकीकरण. देखिए हर टॉपिक के लिए मतलब कुछ टॉपिक्स डेफिनेशंस वगैरह आपको याद करनी पड़ती हैं, पर कुछ हमको थोड़ा सा कॉमन भी आइडिया होता है. जैसे सभी को पता है, सभी समझ सकते हैं सिर्फ नाम से कि शहरीकरण का मतलब कि जो गाँव से शहरों की तरफ पलायन है वो शहरीकरण है. और आधुनिकीकरण मतलब हम जो आधुनिक, देखिए हम आधुनिक सोच में नहीं हुए हैं लेकिन हम आधुनिक अपने पहनावे में हो गए हैं, हम आधुनिक चीजों के इस्तेमाल में हो गए हैं, हम आधुनिक, हमने अपना रहन सहन आधुनिक कर लिया है. पर अभी तक हम आधुनिक इन सोच, मतलब यू कैन से कि मॉडर्न इन थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, वहाँ हम अभी भी पीछे हैं. तो ये हम जानते ही हैं कि कल्चरल लैग जो होता है कि हम थिंकिंग हम बाद में कवर करते हैं पर हम मटीरियल चीजों को जल्दी अपना लेते हैं. तो जानते हैं कंसेप्ट ये कि देखिए तीन कंसेप्ट मिले हुए हैं आप में, सिर्फ अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन आपके सिलेबस में है, बट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन है ना, तीनों साथ में, शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण. तो यहीं से शुरू करते हैं कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण थ्री इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं किसकी, सोशल चेंज की, यानी कि सामाजिक परिवर्तन के आप कह सकते हैं कि तीन आयाम है. आधुनिक हो रहा है व्यक्ति चीजों के इस्तेमाल में, उद्योग ज्यादा बन रहे हैं और शहरों की तरफ भाग रहा है. By which the process of development can be explained. In fact, industrialization and urbanization can be viewed as sub processes of the process of modernization. ये कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण के ही दो आयाम हैं, आपका शहरीकरण और औद्योगिकरण, resulting primarily from technological advancement. और ये उत्पन्न कैसे हुए, जो तकनीकी advancement आ गया है समाज में उसकी वजह से ही आया है. तो modern societies emerged in Europe in the 18th century with the discourse of enlightenment. Enlightenment के बाद, आपके पुनर्जागरण के बाद, आपके यहाँ यूरोप में 18th सेंचुरी में नई सोसाइटीज इमर्ज हुई. इन द 19th सेंचुरी मॉडर्निटी, ए फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ कैरेक्टराइजिंग मॉडर्न सोसाइटीज. देखिए मॉडर्निटी आधुनिकता है, ये मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण से भिन्न है. ये कह रहे हैं आधुनिकता का मतलब एक ऐसा सामाजिक जीवन जिसमें नई सोसाइटीज रहती हैं, गॉट आइडेंटिफाइड विद, और उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब किस उनकी खास विशेषता क्या है कि वहाँ औद्योगिकरण हो चुका होगा, एंड दी स्वीपिंग सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस एसोसिएटेड विद इट. और औद्योगिकरण ने अपने साथ जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए वो भी वहाँ हो चुके होंगे. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति, रिजल्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल टू ए लार्जली इंडस्ट्रियल सिस्टम. जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने क्या किया कि जो जो कृषि आधारित दुनिया थी उसको औद्योगिक दुनिया में तब्दील कर दिया. द सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज लेड टू द माइग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चरल वर्क टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरियाज इन द 19th एंड 20th सेंचुरी. सो 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि कृषि प्रधान से और उद्योग बनने लगे. उद्योग कहाँ बने, शहरों में बने, तो गाँव से लोग शहरों की तरफ रोजगार के लिए जाने लगे और ये क्रम आज भी जारी है. अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण जो है वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट एंड कंटिन्यूइंग रिवोल्यूशन, मतलब संसार का, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में होता है, सबसे बड़ा और सतत चलने वाली क्रांति है. इट रिप्रेजेंट्स ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन द होल पैटर्न ऑफ सोशल लाइफ, और इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया सामाजिक जीवन में. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, और ये किसकी उत्पत्ति है, ये आर्थिक और तकनीकी विकास की उत्पत्ति है. अर्बनाइजेशन एज अ सोशल प्रोसेस हैज ब्रॉट अबाउट ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्स वे ऑफ लाइफ, और शहरीकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसने मनुष्य के जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लाए. बीइंग ए ग्लोबल फिनोमेना, ये वैश्विक घटना है, एंड बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स द प्रेजेंट एरा इज रिफर्ड टू एज द एज ऑफ अर्बनाइजेशन. और इसलिए जो नवीन, मतलब जो सॉरी अद्यतन, जो क्या कहना चाह रही हूँ, वर्तमान, प्रेजेंट नहीं बोल पा रही हूँ, जो वर्तमान युग है उसको आप एज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं. अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन, यानी कि आधुनिक या शहरी बनने की प्रक्रिया अर्बनाइजेशन है.
मूविंग टू सिटीज, हम शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर परस्यूट्स, हम कृषि से दूसरे माध्यमों में जा रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, उद्योग, मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस ऑफ बिहेवियर, और सब कुछ उसी हिसाब से बदल रहा है। तो जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, वो संख्या में बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए अर्बनाइजेशन चूंकि छोटा टॉपिक आपके में है, आप इसके दुष्प्रभाव भी तो पढ़िए, सारा इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और शहरों में इतना ये डिवीजन हो गया, कोई बहुत अमीर है, कोई किसी को रहने को घर नहीं है, है ना, इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी है, लेकिन इसके बावजूद तो शहरों की तरफ पलायन जारी है। अर्बनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन, देखिए लिख दिया गया कि जनसंख्या जो है संकेंद्रित हो गए, गाँव खाली हो रहे हैं, हैज बीन सिस्टमेटिकली ट्रीटेड बाई एच टी एल्ड्रिज, उन्होंने कहा कि इट इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स, उन्होंने कहा उसमें दो बातें आती हैं, दो घटक हैं, दो तत्व हैं, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो साथ में रहने की जो घना घनी आबादी के क्षेत्र बन गए हैं, एंड द इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, एज अ रिजल्ट द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन प्लेसेस इंक्रीजेस, साफ है ये। और अर्बनाइजेशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन, जो साथ में शहरी लोगों के रहने का है हिसाब किताब, वो सब बदल रहा है। डेमोग्राफर्स इसको कहते हैं कि ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इट इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोसेस, है ना, हमेशा पूरे दुनिया में चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक टेम्परामेंट और एडवांसमेंट से हो रहा है, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट हो रही हैं कंट्रीज, इट मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन। अच्छा आप इसको सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो सोशियोलॉजी में क्या इम्पैक्ट है कि जो पुराने समाज हैं वो टूट रहे हैं, उनकी मूल्य खत्म हो रहे हैं, हम आधुनिकता के चक्कर में यू कैन से हम पश्चिम को अपना रहे हैं, और वहां से हमारा रहन सहन सब लोकल है, और हम वहां से विदेशी चीजें अपना ले रहे हैं एज इट इज, ये जाने बिना कि वो हमारे यहाँ सरवाइव करेंगी कि नहीं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में सब कुछ चेंज हो रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम चेंज हो गया, स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस खत्म हो गई, हम हाईली सेक्युलर से नॉन सेक्युलर हो गई, ये सब अर्बनाइजेशन की देन है। और अर्बनाइजेशन क्या है कि अर्बन वैल्यूज आर डिफ्यूज, मूवमेंट अक्रॉस फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज, एंड बिहेवियरल पैटर्न्स आर ट्रांसफॉर्म टू कन्फॉर्म टू दोज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स इन द सिटीज, शहरों में रहने वाले लोगों के हिसाब से गाँव में से जो लोग आए वो भी रहने लगे। अब मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण क्या है, एक मिनट, आधुनिकीकरण क्या है कि मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज वेयर बाय लेस डेवलप्ड सोसाइटीज एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू मोर डेवलप्ड सोसाइटीज, द प्रोसेस इज एक्टिवेटेड बाय इंटरनेशनल और इंटर सोसाइटल कम्युनिकेशन, है ना, डेविड लर्नर ने कहा। और मॉडर्नाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन विच द डेवलपमेंट इज द इकोनॉमिक कंपोनेंट, यानी कि आर्थिक घटक इसका सबसे महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो गए तो हम मॉडर्न होने लगे, फिर हम कोई अमीर आदमी जनरली गाँव में नहीं रहना चाहता है। ये एक सोशल प्रोसेस है विच प्रोड्यूसेस एन एनवायरनमेंट इन विच देयर इज अ राइजिंग आउटपुट पर हेड, इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। लर्नर ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं मॉडर्न सोसाइटीज के, जिसमें कहा जा सकता है कि मॉडर्नाइजेशन हो गया, जैसे अ डिग्री ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, यानी कि जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब वो खुद चल सकती है, खुद चला सकती है अपने आप को, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स बढ़ गया है, ए कल्चर ऑफ सेक्युलर एंड रेशनल, अब देखिए आप आधुनिक हैं तो आप कहते हैं हम तार्किकता के हिसाब से चलेंगे, और जबकि जो सेक्युलर सोसाइटीज थी वो धर्म के हिसाब से, धर्म में ऐसा लिखा है या धर्म गुरुओं ने ऐसा कह दिया उसको वैसा मान लेते थे, पर अब हम रेशनल हो रहे हैं। एंड इंक्रीज इन मोबिलिटी इन दी सोसाइटी, समाज में अब मोबिलिटी है, आप कह सकते हैं ना कि अब जातिगत अंतर कम हो रहे हैं, फिजिकल सोशल और साइकिक मूवमेंट आपका संभव है, अब किसी भी जाति का किसी भी जाति में विवाह हो जा रहा है ना, हम आधुनिक हो गए, अब क्या है पुराना जात पात का हिसाब रखना, तो ये सब मॉडर्नाइजेशन की देन है। इमर्जेंस ऑफ ए पर्सनैलिटी टाइप दैट इज ए मोबाइल पर्सनैलिटी हो गई अब आदमी की, क्यों, क्योंकि उसमें तार्किकता है, उसमें इम्पैथी है, उसमें अदर डायरेक्टेडनेस है, अदर डायरेक्टेडनेस का मतलब कि जो दूसरे लोग हमें बताते हैं हम उसका बड़ा ध्यान रखते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ए पर्सन हु डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट अप्रूवल ऑफ अदर्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ इट्स सेल्फ इमेज, हमारी जो सेल्फ इमेज है उसको दूसरों से अगर अप्रूवल मिल जाता है तो हमें अच्छा लगता है। और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ मींस टू अचीव मॉडर्नाइजेशन, ये सारी बातें मॉडर्नाइजेशन में। इसके अलावा एल्विन टॉफलर ने कहा, डिस्क्राइब, उन्होंने कहा कि हम जो सोसाइटीज हैं उनको तीन वेव में बांट सकते हैं, पहली वेव जो थी वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी की थी यानी कृषि प्रधान समाज, फिर जो दूसरी आई वो औद्योगिक हो गई जिसको कि मॉडर्नाइजेशन कहा गया, और तीसरी चल रही है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब हम सुपर मॉडर्न हो रहे हैं। उसी तरह से अर्बनाइजेशन का भी आगे का कंसेप्ट है ओवर अर्बनाइजेशन, तो आप में बी ए पार्ट वन पार्ट टू के हिसाब से पढ़ना है आपको, तो छोटे में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप इसका कंसेप्ट समझ लें फिर आप इसे लिख सकेंगे। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल एज सोसाइटी, और इंडस्ट्रियल एज सोसाइटी से आपकी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव,
इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेज एंड प्रोसेसेस। तो आप कहेंगे किस किन किन बलों के हिसाब से, किन प्रक्रियाओं के हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हुआ? तो पहला द ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कैपिटल पूंजीवाद जो आ गया अर्थव्यवस्था में। फिर पॉलिटिकल द राइज ऑफ द सेक्युलर स्टेट एंड पॉलिटी, ये जो जो आप कहते हैं ना कि हम सेक्युलर है, हम किसी भी धर्म विशेष का, सभी धर्मों का सम्मान है, है ना। एंड द सोशल फॉर्मेशन ऑफ क्लासेस एंड एन एडवांस सेक्सुअल एंड सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, ना कि कोई कम ज्यादा नहीं है, कोई जातिगत अंतर नहीं है, ये सब जो हमें संविधान ने दिया है ना, ये सब जो हमें पढ़ने लिखने से समझ में आया, ये जो सब हम पॉलो फ्रेरे ने बताया कि हमको मतलब कि रैशनल होना है, हमको अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है, ये सब। एंड द कल्चरल द ट्रांजिशन फ्रॉम ए रिलीजियस टू ए सेक्युलर कल्चर, अब हम धार्मिक से सेक्युलर कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इन सब ने मिलकर मॉडर्नाइजेशन की शुरुआत की है। तो सोशल चेंज का ही ये आप कह सकते हैं आयाम है कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम शहर उद्योग कृषि से उद्योग आ रहे हैं, उद्योग को उद्योग में काम करने के लिए लोग गांव से शहरों में जा रहे हैं, और शहरों का आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मॉडर्नाइजेशन। इसीलिए दोनों अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन एक साथ पढ़ा जा रहा है कि हम शहर में रह रहे हैं तो हम आप पुराना जो आपका हिसाब किताब का रहन सहन का वो नहीं फॉलो करेंगे, फिर आप उस शहर विशेष का रहन सहन फॉलो करने लगते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न हम सही अर्थों में तब हो जाएंगे जब हम मेटीरियल और नॉन मेटीरियल दोनों ही, जिसे कहते हैं ना रेशनल, रेशनल नहीं होते हैं हम, बस हम नई चीजें इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले हम 3G से 4G, 4G से 5G हो गए, हम नॉर्मल फोन से, मोटोरोला से हम एप्पल का फोन इस्तेमाल करने लगे, पर हम रेशनल कितने हुए ये सोचने की बात है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट आपके दो छोटे कंसेप्ट एक ही है, मिला हुआ है, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, मीन्स शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण। इसमें बहुत तरीके का है, आधुनिकीकरण को, मॉडर्निटी को भी कई चीजों में बांटा गया है, आधुनिकीकरण के भी कई आयाम है, बट मैंने सिर्फ एक सिंपल क्रक्स आपके सामने पेश किया है। ठीक है, तो इन दिस वे आप कम से कम मूलभूत रूप से इसको समझ जाएंगे। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।